जाम की समस्याओं से जूझना ना पड़े, इसके लिए स्टेशन के मुख्य गेट के सामने पूरे क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। स्टेशन निदेशक की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है। वहीं स्टेशन निदेशक गणेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि स्टेशन परिसर के सामने जाम एक बड़ी समस्या है और उससे इसके चलते स्टेशन परिसर ने तोड़फोड़ कर इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है और इसकी पार्किंग व्यवस्था सुधारने को लेकर कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जहां किसी भी प्रकार की गाड़ी की पार्किंग अब नहीं होगी। साथ ही ट्रेनों के आने जाने के समय यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिलेगी। ऐसा है कि जो हमारा देहरादून स्टेशन की जो एंट्रेंस है उसके बाहर जो एरिया है वो काफी छोटा है, लगभग 20 मीटर बाई 25 मीटर का एरिया है, और जब ट्रेन का टाइमिंग होती है तो यहाँ पे इतना ज्यादा रश हो जाता है, ऑटोज टैक्सीज वगैरह इतनी लग जाती है कि पैसेंजर्स को चलने के लिए तक जगह नहीं रहती है। तो इसलिए हमने ये स्टेशन लेवल पे ये डिसाइड किया है कि जो ऑटोज और टैक्सीज है उनको एक कोने की तरफ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे फेंसिंग करके जो सामने का एरिया है, कम से कम 25 मीटर में 25 मीटर का एरिया जो है उसको हम खाली रखेंगे और उसको नो जोन के रूम में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी रहेगी, गाड़ी 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। अगर कोई ज्यादा टाइम यहाँ पे कोई